नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे ईसीसी इंटरनेशनल टी10 2024 का छठा प्लेऑफ टी10 मुकाबला, जो खेले जाने वाला है सीजेडई वर्सेस ईएसटी के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 1 अक्टूबर को खेले जाने वाला है। 3:15 पर मैच स्टार्ट होगा काटमा ओवल स्पेन की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच की हमारी फाइनल फैंटेसी टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों कैप्टन हो सकता है, कौन सा खिलाड़ी वॉइस कैप्टनसी में लगा के चलना है, ईएसटी की तरफ से दोस्तों कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में हमें ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा, और सीजेडई की तरफ से दोस्तों कितने खिलाड़ी हमें अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में पिक करके चलने हैं। रिसेंट में दोस्तों प्लेऑफ का पहला टी10 मुकाबला ईएसटी खेल के आ रही है, जो कि दोस्तों मुकाबले को हार के आ रही है। इतना खास परफॉर्मेंस इस टीम से देखने को नहीं मिला था। जो जो खिलाड़ी दोस्तों परफॉर्मेंस करके गए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस में क्या कॉम्बिनेशन बना के चलना है, कौन सा खिलाड़ी सीवीसी में अच्छा ऑप्शन है, एक एक खिलाड़ी के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच के बारे में। तो पिच दोस्तों यहां से आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 356 टी10 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 171 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 185 टी10 मुकाबले यहां पर विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, 138 के करीब स्कोर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर HUN की टीम ने बनाया था 220 रन का, और सबसे कम स्कोर दोस्तों यहां पर CYP की टीम ने बनाया था ओनली 34 रन पे ऑल आउट। उसी के साथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं। लास्ट के जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए थे उसमें दोस्तों पेसर्स ने यहां पर 31 विकेट निकाली है, प्लस में स्पिनर्स ने दोस्तों ओनली 7 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों स्पिनर्स इस ग्राउंड पे फ्लॉप होने वाले हैं, प्लस में पेस बॉलर काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 90 से नीचे 55 बार स्कोर है, 90-120 के बीच में 119 बार स्कोर है, 120-150 के बीच में 113 बार स्कोर है, 150 से ऊपर इस पिच पर दोस्तों 69 बार अभी तक स्कोर देखने को मिला है। बात करेंगे रीसेंट वाले मैचों के अकॉर्डिंग, तो रीसेंट में दोस्तों यहां पर ईएसटी की टीम मैच को खेल के आ रही है IOM के साथ, प्लेऑफ का पहला टी10 मुकाबला। इस मैच में दोस्तों IOM की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का टारगेट रखा था, चेस करती हुई ईएसटी की टीम दोस्तों ओनली 153 रन ही बना पाई थी। इस मैच में दोस्तों 2 विकेट स्पिनर्स ने निकाली थी, 4 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली है। और अभी रिसेंट में दोस्तों यहां पर GRE वर्सेस CZE के बीच में मुकाबला खेला गया था, यहां पर दोस्तों मैच को विन करके गई थी CZE की टीम, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है बैटिंग प्लस बॉलिंग से। उसके साथ दोस्तों यहां पर GRE वर्सेस CZE के बीच में मुकाबला खेला गया, यहां पर भी दोस्तों यहां से CZE की टीम ने मैच को विन किया चेस करते हुए। 2 विकेट यहां पर स्पिनर्स ने निकाली थी, 7 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। उसके बाद LUX वर्सेस GRE के बीच मुकाबला खेला गया, इस मैच में भी दोस्तों चेस करते हुए GRE की टीम ने मैच को विन किया, 4 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी, 1 विकेट दोस्तों यहां पर स्पिनर्स ने निकाली है। रिसेंट के 2 मैचों के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि CZE की टीम दोस्तों मैचों को खेल के आ रही है और दोनों मुकाबले दोस्तों इस ग्राउंड पे विन करके आ रही है। और यहां से ईएसटी की तरफ से बात करें तो इस टीम ने भी दोस्तों रिसेंट में लगभग बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, बाकी दोस्तों मैच को विन नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों CZE की टीम की अगर बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, प्लस में बॉलर्स भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हैं, तो हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला खेला नहीं गया है। बात करेंगे रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो रिसेंट में दोस्तों CZE की टीम 5 मुकाबले खेल के आ रही है, 5 में से 4 मुकाबले दोस्तों इस टीम ने विन किए हैं। ईएसटी की टीम भी दोस्तों रिसेंट के 5 मुकाबले खेल के आ रही है, और ओनली दो ही मुकाबले अभी तक इस टीम ने रिसेंट में विन किए हैं। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां से दोस्तों CZE की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्टन वॉइस कैप्टन भी हम इसी टीम के ऊपर ट्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों ईएसटी की तरफ से कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, बात करेंगे इनके फाइनली
प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ से दोस्तों सी जेड ई के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हम कैप्टन और वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यहां से आपको साजिब देखने को मिलेगा, जो कि सीवीसी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा। रिसेंट वाले मैच में 32 रन प्लस में एक विकेट, उसके बाद 37 रन प्लस में एक विकेट, 11 रन दो विकेट, 25 रन जीरो विकेट, 36 रन प्लस में जीरो विकेट, 97 मुकाबले T10 में 70 विकेट इसके पास है, 28 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। काफ़ी अच्छा चॉइस है कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी के लिए। लगभग दोस्तों इस खिलाड़ी का हाई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं तो दोस्तों 4-5 जो भी उन्हीं ग्रैंड लीग टीमों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा उसमें दोस्तों इस खिलाड़ी को या तो कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन रिवर्स करके हर टीम में दोस्तों ट्राई करके जाने वाला हूं। उसके बाद जो अच्छा ऑप्शन है वो नंबर 6 का खिलाड़ी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं नंबर 2 के खिलाड़ी के बारे में। देवजी रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में फ्लोप है, 2 मैचों में 17-17 रन का परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 132 मुकाबले खेल चुका है, 47 विकेट इसके पास है, 30 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। यह खिलाड़ी दोस्तों आपकी टीम में यूनिक कैप्टन देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों रिसेंट के 5 मैचों में फ्लोप है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, क्योंकि यहां पर आपको बैटिंग ओपनिंग बैट्समैन में सुदेश रॉय भी करवाते हुए नजर आ सकता है, प्लस में बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके देगा। उसके बाद दोस्तों ऋतिक तोमर नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट के कंटिन्यू तीनों मैचों में परफॉर्मेंस, 37 रन नाबाद, 48 रन नाबाद, 39 रन, फिर यहां से 2 मैचों में फ्लोप है, 99 मुकाबले T10 फॉर्मेट में, 57 विकेट इसके पास है, 23 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलेगा। उसके साथ साहिल ग्रोवर विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट के मैचों में फ्लोप है, हाइएस्ट 23 रन नाबाद बनाए थे, 82 मुकाबले T10 में, 22 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूं। उसके साथ यहां पर सगोर होशियन रिसेंट के मैच में 2 रन, फिर यहां से बैटिंग नहीं, 28 रन, फिर दोस्तों बैटिंग नहीं है, 25 रन, 24 रन प्लस में 0 विकेट, 49 मुकाबले T10 में, 22 विकेट इसके पास है, 21 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल खिलाड़ी के बारे में, जो कि सीवीसी में काफ़ी अच्छा चॉइस है, सुदेश रॉय। ये भी दोस्तों कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में बहुत ही तगड़ा चॉइस देखने को मिलेगा। ये भी दोस्तों आपको ओपन करवाते हुए नजर आ सकता है। यहाँ से दोस्तों साजिब के साथ ओपनिंग बैट्समैन में नजर आ जाएगा, लगभग दोस्तों चांसेस हैं। रिसेंट में 37 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट, उसके बाद 54 रन प्लस में 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 70 रन नाबाद, 46 रन प्लस में 3 विकेट, 92 मुकाबले T10 में, 64 विकेट इसके पास है, 32 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। ये दोनों ही खिलाड़ी दोस्तों कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में अच्छे च्वाइस हैं सी जेड ई की टीम की तरफ से। बाकी यहां पर वीसी की बात करें तो ऋतिक तोमर दोस्तों आपको यूनिक वीसी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में सी जेड ई की टीम से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों बॉलर्स के बारे में बात करेंगे कि बॉलर्स में कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां से पारस विकेट कीपर ऑप्शन, रिसेंट के मैच में बैटिंग नहीं, फ्लोप है, 48 रन नाबाद, 11 रन, 15 रन नाबाद, और T10 फॉर्मेट में 38 का एवरेज स्कोर है, 11 मुकाबले खेल चुका है। उसके साथ वेंकटेश रिसेंट के मैच में बॉलिंग नहीं है, उसके बाद 1 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर 1 विकेट, फिर दोस्तों फ्लोप है, फिर यहां से 1 विकेट, 48 मुकाबले T10 में, 28 विकेट इसके पास है, कहीं ना कहीं दोस्तों 1 विकेट ये बॉलर निकालने वाला है। उसके बाद यहां पर ऋतुराज रिसेंट के मैच में दोस्तों 1 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर कंटिन्यू 1-1 विकेट, 59 मुकाबले T10 में, 26 विकेट इसके पास है। उसके साथ जोई कोप रिसेंट के मैच में फ्लोप है, उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस, एक ही मैच में यहां पर 3 विकेट है, बाकी दोस्तों 1-1 विकेट, 30 मैचों में 15 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। उसके साथ यहां पर अजहर आलम रिसेंट के मैच में फ्लोप, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस, 38 मुकाबले T10 में, 26 विकेटों के साथ इस बॉलर का परफॉर्मेंस है। ये खिलाड़ी दोस्तों 2 ओवर करवाएगा, जो एक कोप भी आपको 2 ओवर करवा के देने वाला है। प्लस में यहां से बात करें दोस्तों ऋतुराज की, तो ये भी दोस्तों 2 ओवर के करीब करवाने वाला है। बाकी वेंकटेश की बात करें या फिर पारस की बात करें, तो इनमें से दोस्तों वेंकटेश लगभग 1 ओवर से ज्यादा नहीं करवाएगा, और दोस्तों ये खिलाड़ी 1 विकेट ही निकाल के देने वाला है, और वो भी बहुत ही रेयर चांसेस है। ये दोस्तों फाइनली आपको सी जेड ई के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ EST के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टीम से रिसेंट के मैचों में कौन से खिलाड़ी ने
किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। तो ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों यहां से अमजद रिसेंट के कंटिन्यू 3 मैचों से फ्लोप है, उसके बाद 64 और 41 रन नाबाद है, 38 मुकाबलों में दोस्तों 35 का एवरेज स्कोर है। ये खिलाड़ी आपको ओनली बैटिंग से परफॉर्मेंस दे सकता है, प्लस में बॉलिंग से दोस्तों रिसेंट के मैचों में इस खिलाड़ी ने बॉलिंग नहीं करवाई है, 38 मैचों में ओनली 35 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। और कहीं ना कहीं दोस्तों 3 मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है, सामने जो टीम है उसका बॉलिंग लाइनअप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी आज के मैच में फिर से फ्लोप होने वाला है। मैं तो दोस्तों ट्राई करके नहीं जाऊंगा। उसके साथ स्टीफन, ये खिलाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, ये खिलाड़ी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा। रिसेंट में भी दोस्तों 86 रन प्लस में 0 विकेट, फिर 26 रन 0 विकेट, 106 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 57 मुकाबले T10 में, 23 विकेट इसके पास है, 53 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। तो यहाँ पर दोस्तों कैप्टनसी में काफ़ी अच्छा चॉइस है, रिसेंट के मैच में वॉइस कैप्टनसी में देखने को मिला था। उसके साथ यहाँ पर हुक विकेट कीपर ऑप्शन रिसेंट के मैच में फ्लोप है, उसके बाद 46 रन 35 मुकाबले T10 में, 34 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है, नंबर 3 का खिलाड़ी है, विकेट कीपर है। उसके साथ साहिल चौहान रिसेंट के मैच में 6 रन, उसके बाद 62 रन नाबाद, फिर 0 रन 1 विकेट, फिर यहां से 1 विकेट, 41 रन 23 रन 0 विकेट, 39 मुकाबले T10 में, 44 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 8 विकेट है, लेकिन रिसेंट के 3 मैचों में बॉलिंग देखने को नहीं मिली। उसके साथ बिलाल मसूद रिसेंट के मैच में 13 रन प्लस में 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, फिर फ्लोप है, 12 रन 1 विकेट, फिर से 1 विकेट, 18 विकेट इसके पास है T10 में, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। उसके साथ डेविड रॉबसन रिसेंट के मैच में 44 रन नाबाद प्लस में 1 विकेट, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस है और 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 20 विकेट भी निकाल रखी है। तो यहां पर दोस्तों कैप्टनसी में स्टीफन को आप CVC में लेके चल सकते हो। और यहां से हुक की बात करें जो कि विकेट कीपर ऑप्शन है, अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके जाऊंगा, इसकी जगह आप साहिल चौहान को पिक कर लेना, क्योंकि ये भी दोस्तों बैटिंग में एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, 44 का एवरेज स्कोर है, 39 मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 1000 प्लस रन ये खिलाड़ी बना चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों बैटिंग से परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलेगा और ड्रीम टीम में आ सकता है। उसके साथ बिलाल मसूद जो कि दोस्तों 41 मैचों में ओनली 18 विकेट है, 17 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, अभी के लिए ड्रॉप करके चलेंगे। डेविड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा क्योंकि रिसेंट में बैटिंग से भी परफॉर्मेंस किया, प्लस में बॉलिंग से 1 विकेट निकाली और ट्रंप कार्ड खिलाड़ी था, ये खिलाड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 या फिर 3 ही खिलाड़ी दोस्तों आपको ओपनिंग बैट्समैन में से पिक करके चलने हैं, बाकी ऑलराउंडर है, बाकी दोस्तों 1 आपको बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा। उसी के साथ बॉलर्स के बारे में बात करें तो बॉलर्स में यहां पर रूपम रिसेंट के मैच में फ्लोप है, 2 रन नाबाद 1 विकेट, 9 रन 1 विकेट, फिर फ्लोप है, 12 मैचों में ओनली 3 ही विकेट इसके पास है, 28 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। उसके साथ पर्ण जो कि रिसेंट में फ्लोप, फिर 2 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर 1 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 1 विकेट, 37 मैचों में 30 विकेट है, 1 विकेट दोस्तों ये बॉलर निकाल सकता है। बाकी यहां पर मार्को जो कि आपको ड्रॉप ही करके चलना है, 28 मैचों में 26 का एवरेज स्कोर, आदित्य पॉल रिसेंट के मैच में 1 विकेट है, और ये खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही कम चांसेस है कि बॉलिंग करवाएगा क्योंकि 2 मैचों में बॉलिंग नहीं है, फिर 1 विकेट, फिर यहां से फ्लोप, फिर दोस्तों यहां से बॉलिंग नहीं है, 34 मैचों में 22 विकेट इसके पास है। उसके साथ काले विशालप्पू रिसेंट के मैच में बॉलिंग नहीं, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्मेंस, 41 मैचों में 33 विकेट है। तो यहां से दोस्तों काले विशालप्पू भी 1 विकेट निकाल सकता है। बाकी दोस्तों EST की तरफ से बात करें तो इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको CZE की टीम से ज्यादा खिलाड़ी लेके चलने पड़ेंगे। तो ये आपको फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे EST की टीम की तरफ से। बाकी दोस्तों फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो साजिब ऋतिक सुदेश रॉय, उसके साथ यहां पर पारस खारी, और इधर से दोस्तों अमजद है, स्टीफन है, साहिल चौहान है, बिलाल मसूद है, ये टोटल 8 खिलाड़ी हैं जिनका फैंटेसी में हाई सिलेक्शन है। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों की बात करें, जोए कोप, उसके साथ दोस्तों यहां पर अजहर आलम और डेविड रॉबसन, काले विशालप्पू, ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिनका फैंटेसी में लो सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ मेरी जो आज की फाइनल फैंटेसी टीम देखने को मिलेगी उसमें दोस्तों विकेट कीपर मैंने 2 ट्राई किए हैं। CZE की तरफ से बात करें तो विकेट कीपर आपको दोस्तों ओपन करते हुए नजर नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आप CZE की तरफ से विकेट कीपर ड्रॉप भी करके चल सकते हो। उसके साथ ऋतिक तोमर है, यहां से साहिल चौहान है, अमजद को दोस्तों ड्रॉप करके चलना है। कैप्टनसी में दोस्तों यहां पर मैंने पिक किया है सुदेश रॉय को। यहां पर दोस्तों वॉइस कैप्टनसी में आपको देखने को मिलेगा स्टीफन। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मैंने ओपनिंग बैट्समैन को पिक किया है CZE की टीम की तरफ से, जो कि CVC में अच्छा ऑप्शन है।
नीचे दोस्तों डेविड जो कि मैंने आपको बताया ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होगा, सेकंड टीम में ड्रॉप है। यहां से दोस्तों पढ़ने की जगह आप डेविड को ट्राई करके चलना है। बाकी दोस्तों ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यहां से दोस्तों दो तीन खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको आपको ड्रॉप करके चलना है। जैसे अमजद को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, रिसेंट के तीन मैचों से लगातार फ्लोप है। उसके साथ साथ हुक की बात करें तो ये भी खिलाड़ी रिसेंट के मैचों में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये दोस्तों मेरी आज की दो फाइनल फैंटेसी टीमें हैं। बाकी मैंने आपको वीडियो में एक एक खिलाड़ी के बारे में पूरी अपडेट में बताया है कि कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है, किसको आप सीवीसी लेके चलें, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों ड्रॉप करके चल सकते हो। तो ये आज की दो फाइनल फैंटेसी टीमें रहेंगी। बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।